नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का। दोस्तों, देश में आज भी ऐसे इंसान हैं जो कि अपनी जान को खतरे में डालकर दूसरे की जान को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। आज भी लोगों में मानवता जिंदा है, इंसानियत जिंदा है, ऐसा ही एक कारनामा कर दिखाया है एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर 40 दिन की बच्चे की जान को बचाने के लिए 7 घंटे का सफर मात्र 4 घंटे में पूरा किया है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग जमकर शेयर भी कर रहे हैं। इस एम्बुलेंस के ड्राइवर की खूब ज्यादा प्रशंसा भी की जा रही है, क्योंकि इस एम्बुलेंस ड्राइवर ने बच्चे की जान बचाने के लिए फ्री में 7 घंटे का सफर मात्र 4 घंटे में पूरा करके दिखाया है, और इसके लिए उसने 1 रुपए भी किसी से नहीं लिया। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही मानवता को जिंदा रखने वाला काम इन्होंने किया है। जी हाँ दोस्तों, ये पूरा मामला क्या है, पूरी क्या घटना है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। आप भी अगर इस बहादुर ड्राइवर के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इस बहादुर ड्राइवर के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो और भी देखने के लिए मिलते रहे। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक एम्बुलेंस का वीडियो खूब ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक एम्बुलेंस तेज रफ्तार से दौड़ती हुई नजर आ रही है। इस एम्बुलेंस में एक दिल को लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों एक 40 दिन की बच्चे का दिल जो है वो फेल हो गया है, यानी कि हार्ट फेल हो गया, उसे तुरंत हार्ट की जरूरत है, यानी उसको तुरंत ही एक दिल की जरूरत है, इसीलिए इस एम्बुलेंस में जो है एक दिल को लेकर जाया जा रहा है। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि एक 40 दिन की बच्ची है जिसका हार्ट का ऑपरेशन होना है और उसे रेफर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैंगलोर से लेकर बैंगलोर के लिए, क्योंकि दोस्तों मैंगलोर की ये बच्ची है जहां पर इसका इलाज चल रहा था, और दोस्तों इसके हार्ट की प्रॉब्लम है, इसीलिए इसे बच्ची को जो है हार्ट ट्रांसप्लांट करना था। इसीलिए डॉक्टरों ने जो है आसपास के अस्पतालों में बात की, लेकिन कहीं से भी हार्ट का इंतजाम नहीं हुआ। तभी पता चला कि बेंगलोर में जो है एक महिला डेड हो चुकी है, और उस महिला का परिवार जो है वो अंग दान करना चाहता है, इसीलिए उसके परिवार ने कहा कि हम जो है इस महिला का दिल दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें कि एक दिल को किसी शरीर से निकालने के बाद उसे ज्यादा से ज्यादा 4 से 4.5 घंटे के अंदर ही काम लिया जा सकता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसके बाद वो उपयोग में नहीं आता। इसीलिए दोस्तों मैंगलोर से बेंगलोर के बीच की दूरी लगभग 400 किलोमीटर है, इसीलिए 400 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए कम से कम 7 घंटे लगते हैं। इसीलिए दोस्तों इस दूरी को कम से कम और जल्दी से जल्दी समय में पूरा करना था। इसीलिए दोस्तों एक हनीफ नाम के ड्राइवर ने कहा कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, बेंगलोर से लेकर मैंगलोर तक मैं इसे पहुंचा सकता हूँ बहुत ही आसानी से कम समय में। इसीलिए दोस्तों इस ड्राइवर की तारीफ हो रही है। इस ड्राइवर ने जो है मात्र 4 घंटे और कुछ मिनट के अंदर जो है 400 किलोमीटर की जो पूरी दूरी है उसे तय किया और उस बच्ची की जान बचा ली। जी हाँ दोस्तों, इस बहादुर ड्राइवर के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो आपने खूब देखे होंगे जिसमें एक तेज एम्बुलेंस चलाती हुई नजर आ रही है, लेकिन दोस्तों इतनी तेज एम्बुलेंस चलाने के लिए, साथ ही एम्बुलेंस को जो है सही सलामत पहुंचाने के लिए भी बहुत ही बहादुरी का काम जो है उसने किया है, साथ ही 41 दिन की बच्ची को बचाया है। तो दोस्तों आप इस ड्राइवर के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। वैसे दोस्तों एम्बुलेंस के ड्राइवर जो हनीफ है उन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए भारत सरकार द्वारा, या फिर नहीं किया जाना चाहिए, इन्हें इनाम मिलना चाहिए फिर नहीं मिलना चाहिए, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी ऐसे और वीडियो देखने के लिए मिलते रहें। मिलते हैं और वीडियो में।